शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह लद्दाख यात्रा महत्वपूर्ण है और ये सैनिकों को एकजुटता का अच्छा संदेश देगी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे। यहाँ उन्होंने थल सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों से बातचीत की। चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी की लेह यात्रा महत्वपूर्ण है और 19 जून को उनकी टिप्पणियों के बाद विशेष रूप से सैनिकों के साथ एकजुटता का एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर उनकी इस बात के लिए आलोचना की गई तो उन्हें इसके लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। पीएम मोदी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के साथ सुबह करीब 9:30 बजे लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री ने निमू में एक अग्रिम स्थल पर गए, वहां उन्होंने थल सेना, वायुसेना एवं ITBP के कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को सीमा की स्थिति से अवगत कराया। सिंधु नदी के तट पर 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित निमू सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यह जनस्कार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत ने लद्दाख में अपनी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है, लेकिन यदि कोई उसकी भूमि पर आंख उठाकर देखता है तो वो उसका उचित जवाब देने में भी सक्षम है। गलवान घाटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत वीर सपूतों ने दिखा दिया कि वे कभी भी मां भारती के गौरव को आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध जारी है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।